सर से मिलने का मुझे आज यहाँ पे मौका मिला। सर गुरु नानक यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे टाइम से प्रोफेसर रहे हैं, इनका जर्मन को लेके एक बड़ा अनुभव है। मैं आज इनसे इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद किस तरह से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जनरल इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार जी। मैं एक इस विषय पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद और पहले व्यक्तित्व में कुछ फ़र्क पड़ता है, तो जनरली किस तरह का फ़र्क पड़ता है, और आपका जनरल, आपने इतने सालों से प्रोफेसर्स को भी देखा है, कुछ हमारे जैसे बच्चे जो एकदम स्टार्टिंग से आते हैं फॉरेन लैंग्वेज जुड़ने से पहले आप उनको देखते हो और आपके देखते देखते उनका करियर बनता है, तो उसमें आपको कैसे क्या नज़र आया? एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने खुद के लिए हो सकता है, एक जनरल जो लोगों को आपने देखा है बनते हुए, या उसके बारे में मैं। सो इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, पहले मैं जो आपके मेरा परिचय करवाया है दर्शकों के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं व्याख्या करना चाहूँगा। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन प्रोफेसर नहीं बन सका, मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर रिटायर हो चुका हूँ। तो प्रोफेसर बनना मेरे ख्याल दूसरी एक अलग ही उसका लेवल होता है, प्रोफेसर नहीं हूँ। तो दूसरी बात, मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी 27 से 28 साल तक मैंने पढ़ाई होगा, तो वैसे ही तो मैंने शुरुआत में रशियन के टीचर के तौर पर शुरू की थी, रशियन रूसी भाषा के अध्यापक के तौर पर मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था, शुरुआत की थी। लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी समय का 10-15 साल से मैं जर्मन में भी जुड़ा हुआ हूँ, वो पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इससे बरस से प्रयत्न किया है। और बाबा के जो प्रश्न का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, विदेशी भाषाओं का अध्ययन आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, वैसे मैं क्षमा चाहूँगा, मैं हिंदी में हाथ पैर तंग है, मैं कुछ प्रयत्न तो कर रहा हूँ शुद्ध हिंदी बोलने की, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर तंग है। जो प्रश्न पूछा है विदेशी भाषाओं का अध्ययन या विदेशी भाषाओं के क्षेत्र पर आपके पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि विदेशी, जब कोई विदेशी भाषा हम सीखते हैं, कि हम विदेशी किस शब्द नहीं सीख रहे होते हैं, हम किस ग्रामर का अध्ययन नहीं कर रहे होते, या और लेकिन साथ साथ कल्चर, उस भाषा का साहित्य, उसका सहज रीति रिवाज हम सहज सीखते हैं, साथ वो ग्रहण भी करते हैं, और नेचुरली कहीं ना कहीं वो विदेशी भाषाओं जो उसे हमारा पर्सनैलिटी का फर्क तो पड़ता ही है, तो काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर आदमी का एक बेसिक ट्रेट्स है, जो बेसिक ट्रेट्स है, बेसिक पर्सनैलिटी या बेसिक माइंड सेट है, शायद वो मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है किसी भी इंडिविजुअल का, वो तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान है, आदमी है, तो कोई फ़र्क तो पड़ता ही है। और सबसे ज़्यादा फर्क तो ये पड़ता है कि हम जो उस भाषा का कल्चर, उसका साहित्य, उसके बारे में कल्चर रीति रिवाज हम अपने हम चाहे नोइंगली अनोइंगली ग्रहण करते हैं, आपका मानसिक अध्ययन, आपका जो माइंड सेट है काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है। तो इंग्लिश में कहूँगा तो इट वाइडन द योर हराइजॉन, जो वे यू लुक एट द वर्ल्ड, इट चेंजेस एंड चेंजेस एंटायरली आफ्टर, मेरा ख्याल है, स्पेशली यू व्हेन यू एंटर एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो मैं कहना चाहूँगा। सर आप तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आपने रशियन टीचर के तौर पे शुरुआत की थी और फिर जर्मन में आए, तो मतलब कौन सी ऐसी बात रही कि मतलब आपने शिफ्ट किया? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। सो बेसिकली मैं टीचर रशियन का था, लेकिन जब मैंने रशियन पढ़ाना शुरू किया था यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय अमृतसर विश्वविद्यालय में, उस टाइम रशियन का पढ़ा भी अच्छी लोग पढ़ा रिस्पॉन्स था रशियन का, लेकिन धीरे धीरे स्पेशली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मर USSR, रशियन की पॉपुलैरिटी स्टार्ट गोज वेंट टू डिक्रीजिंग, तब मुझे लग रहा था कि मैं चाहे एक अपन परमानेंट अध्यापक होने के नाते मेरी कोई साफ जॉब का खतरा तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता था एज ए अध्यापक, एज ए टीचर होने के नाते I miss a lot, क्योंकि मुझे याद आता मैं कई साल पहले एक टीवी में ऐड देखा करता था, टीवी काफ़ी ऐड आती है, अमिताभ बच्चन की ऐड थी, वो कहता था भी एक ऑडिटोरियम वो खाली है, वो कहता था वो कलाकार क्या है जिसमें श्रोतागण ना हो, तो मैं यही सोचता था वो टीचर क्या है, अध्यापक का जिसके पर पढ़ने वाला कोई ना हो, इसलिए मेरा ख्याल है आउट ऑफ इनर कंपल्शन भी अपनी कंपल्शन थी, नॉट कंपल्शन ऑफ एनी साहब, मैंने अथॉरिटी की तरफ से नहीं, हमारे अपने भी लगता था भी यार मुझे कोई डॉक्टर, इसलिए मैं उसके जजमेंट से मेरे में आया और सीखनी शुरू की, और कह सकता हूँ अभी भी
सीख रहा हूँ, लेकिन जर्मन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं गोएटे इंस्टीट्यूट में आना जाना हुआ है, तो गोएटे इंस्टीट्यूट नई दिल्ली बर्लिन दो तीन बार मैं जर्मनी से आ चुका हूँ। वो जर्मन कल्चर के बारे में जो पहले पढ़ा था अपनी आंखों से देखने का मौका मिल गया है, मुझे काफ़ी अच्छा। एक लास्ट चीज़ सर, मैं ये और जानना चाहूँगा कि जैसे पंजाब और चंडीगढ़ और ये जो बेल्ट है, यहाँ पे तो लोगों का खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में जाके पढ़ते हैं, करियर बनाते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे हब है ये पूरे भारत के लिए, तो इसमें सर जर्मन को लेके मतलब क्यों थोड़े हेजिटेंट रहते हैं लोग, या फिर आप कोई मैसेज इन बच्चों को जो कि यहाँ के बच्चे हैं बाहर जाके करियर बनाना चाहते हैं, जर्मनी में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बावजूद मेरे को लगता है कि थोड़े से हेजिटेंट रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कोई मैसेज आप? थोड़े से जैसे आप यानी थोड़े से बहुत ज़्यादा एसिस्टेंट है। तो मेरे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जर्मन जाने के लिए एक तो मेरा ख्याल है बच्चों में एक्सपोजर भी नहीं जा, लैक ऑफ एक्सपोजर भी है। दूसरा बड़ा जर्मन एज ए बैरियर, क्योंकि कनाडा जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, न्यूजीलैंड के लिए जाने के लिए मकसद आईलेट जाना पड़ता है, किसी तरीके 5-6 नंबर लेकर एडमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ जर्मनी जाने के लिए B1 जो A1 पढ़ने के लिए वो उनको दिक्कत है। हालांकि अब थोड़ा सा अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि खैर जब भी सबको पता, लोगों को शायद पता ही नहीं है कि पंजाबी जर्मनी इज ऐसा सो ओनली वन कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड है एब्सोल्युटली फ्री। तो मेरा ख्याल है पंजाब काफ़ी लोगों को नहीं पता, यूनिवर्सिटी में देख रहे बावजूद ही, क्योंकि हम कई फैकल्टी मेंबर को इवन दे डोंट अवेयर, दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट भी जर्मनी है एजुकेशन टोटली फ्री है। ये कारण भी है। दूसरी बात है ना भी सीखने की वीडियो, जब भी कुछ जर्मन सीखनी पड़ेगी वहाँ पर करना पड़ेगा, ये भी एक कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये उनको लगता है लैंग्वेज बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर है मेरा ख्याल है। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ब्लेस्ड, सो थैंक यू हैविंग यू हियर। दोस्तों जैसा आपने देखा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पंजाब और चंडीगढ़ और इस बेल्ट के जो बच्चे हैं विदेश जाना चाहते हैं, घर वाले भी उनको खुशी खुशी वहाँ भेजते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, बल्कि आह्वान करना चाहूँगा, जो यूथ हैं वो अपने आप को इन्फॉर्म करें, क्या आउसबिल्डिंग प्रोग्राम है, क्या जर्मनी में जाने के जो नए नए माध्यम हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट क्या है, उसके बारे में जानकारी लें। एक भाषा को इतना बैरियर एक बैरियर के तौर पर ना देखें, थोड़ी अगर वो कोशिश करेंगे तो आराम से लीगल तरीके से वहाँ की मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से मैं उसमें कोई हेल्प कर पाऊँगा तो ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।